गांधी शांति प्रतिष्ठान भागलपुर में प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम प्रभाकर की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर न्यूज़ द पैशन से बात करते हुए तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हिंदी डिपार्टमेंट के डॉक्टर योगेंद्र ने डॉक्टर प्रेम प्रभाकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। प्रेम जी आपके सहकर्मी थे, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस उनके साथ पढ़ाने का और बाकी सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, वो बहुत बढ़िया शिक्षक थे। वो क्लास लेने में चूकते नहीं थे, जैसा भी आरोप लगाया जाता है कि शिक्षक क्लास नहीं करते, यह बात उन पर एकदम लागू नहीं होती थी। शिष्यों में लोकप्रिय थे, शोध का काम बहुत अच्छा करवाते थे, यहाँ तक कि शोध के संदर्भ में जो बच्चे आते थे उनको गाइड करने का तजुर्बा बहुत बेमिसाल था, और इस रूप में हम मानेंगे कि वो बहुत अच्छे शिक्षक। सर, हिंदी विभाग का ये कितना बड़ा नुकसान है? हिंदी विभाग का बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग तो ये सोच करके भी मतलब परेशान हो रहे हैं कि उनकी जगह पर क्लास करने वाला शिक्षक तो बहुत है, क्लास करने वाला जो शिक्षक है वो कैसा आएगा और क्या होगा, ये कहना मुश्किल है और हम सारे लोग तो परेशान हैं। डॉक्टर प्रेम प्रभाकर के मित्र उदय जी ने भी इस मौके पर न्यूज़ द पैशन से अपना अनुभव साझा किया। सर, प्रेम प्रभाकर जी से आपका कैसा परिचय था और कुछ ऐसी बात बताइए उनके बारे में जो लोग जानना चाहते। प्रभाकर जी हम लोगों के जमाती थे, यानी हमारी जमात के लोग थे। गंगा मुक्ति आंदोलन के ज़माने से जो हम लोग जुड़े हुए थे, हमारे वैचारिक साथी थे। कुछ लोग उनका परिचय प्रोफेसर के रूप में, संपादक के रूप में, दूसरे रूप में देते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि वो एक परिवर्तनवादी थे, एक्टिविस्ट थे, और बाकी उनका जो काम था वो एक ऑक्यूपेशन था, आजीविका के लिए किया जाने वाला काम था। लेखन को उन्होंने इसी परिवर्तन का एक जरिया चुना था। उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। एक उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए बताना चाहते हैं, हम लोगों ने संस्कृति नाम से एक संगठन बनाया था और वहीं हम लोग साथ साथ रहते थे, कम्यून की तरह कई साथी हम लोग रहते थे, उसमें प्रभाकर जी भी रहते थे। और जब वो कपड़ा खींचने के लिए जाते थे, चापाकल पर अपना कपड़ा डालते थे, तो हम लोगों से भी कहते थे कि आप अपना कपड़ा भी डाल दीजिए, और वो कपड़ा हम लोग उस बाल्टी में डाल देते थे और प्रभाकर जी उस कपड़े को साथ साथ खींचते थे ताकि सब लोगों का समय बर्बाद नहीं हो। सभा में प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट भी मौजूद थे। ये बताइए, आप सर के छात्र रहे जी, कैसा था पढ़ाने का इनका अंदाज? प्रभाकर सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और सभी छात्रों को एक दृष्टिकोण से देखते थे। उनका समाज के प्रति अक्सर वो चिंतित रहते थे, सभी बच्चों को प्यार करते थे और वो चाहते थे कि समाज के निचले पायदान पर जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग, उनका बच्चा आगे उठे, उनका बच्चा एमए करे, उनका बच्चा पीएचडी करे, उनको आगे पढ़ने में कहीं कोई अगर कुछ कठिनाई अगर होती थी तो सर उनको चाहते थे कि हम उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाएं, ये सर चाहते थे। अक्सर वो चिंतित रहते थे कि गरीब तबके के लोग आगे बढ़े किसी न किसी तरह से, और उनसे जो हो सकता था, जो बन सकता था, वो मदद करते थे सभी छात्रों को। जो भी छात्र उनके पास जाते थे, जो भी समस्या लेके जाते थे, और वो समस्या लीगल समस्या हो तो निराकरण करते थे। न्यूज द पैशन के लिए काजी वली चक भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। एमजे इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।